मंत्री को सपने में भी हरियाणा याद आता है। मुख्यमंत्री, अत्यधिक वर्षा एक प्राकृतिक आपदा, राजनीति नहीं करनी चाहिए। श्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब कभी उन्हें इस प्रकार की कोई बात ध्यान आती है तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो उन्हें सपने में भी हरियाणा याद आता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण है तो उन्हें हरियाणा याद आता है, पानी है तो हरियाणा याद आता है, कोई और बात होती है तो भी हरियाणा याद आता है। इसलिए इन मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बरसात भी अप्रत्याशी हुई है तथा इस बरसात के पूर्वानुमान भी इतने नहीं थे। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा होने से तथा पहाड़ी राज्यों से बरसाती पानी तेज गति से आने के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ा है। हथिनी कुंड है एक बैराज, बैराज से पानी को किया जाता है रेगुलेट। श्री मनोहर लाल ने बताया कि यमुना नदी में पहले दिन 1,00,000 क्यूसेक पानी था, परंतु अगले ही दिन यह एकदम से 3,70,000 क्यूसेक पानी हो गया। उन्होंने कहा कि जहां तक पानी छोड़ने की बात है तो इस संबंध में हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया है कि हम हथिनी कुंड एक बैराज है न कि डैम है। डैम में पानी रोका जाता है, बैराज में पानी को एक सीमा में थोड़ी मात्रा में रेगुलेट किया जा सकता है। बैराज की क्षमता 1,00,000 क्यूसेक है और उससे ऊपर के पानी को रोकना कठिन है। उन्होंने बताया कि बैराज से पानी छूटने के बाद सबसे पहले हरियाणा स्वयं ही प्रभावित है, जिसमें यमुनानगर, करनाल इत्यादि जिले शामिल है। उसके बाद पानी आगे बढ़ते हुए दिल्ली पहुँचता है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के बयान के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी प्राकृतिक आपदा है, इन मामलों में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उनको इस प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है कि जब कोई जवाब नहीं होता तो उनको सपने में भी हरियाणा याद आ जाता है। तो मानो प्रदूषण है तो हरियाणा याद आता है, पानी है तो हरियाणा याद आ जाता है, कोई और बात होती है तो हरियाणा याद आ जाता है। इसलिए कम से कम इन चीज़ों पर राजनीति न करें, इतना ही मेरा कहना है। क्योंकि पानी जो है हथनी कुंड बैराज सिंपल बैराज है, वो डैम नहीं है। तो बैराज में तो एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है अपना पानी रेगुलेट करने की, तो पानी रेगुलेट होता है 1,00,000 क्यूसेक से पानी ज़्यादा आते ही नेचुरली पानी वो बह करके जिधर उसको रास्ता निकल जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने जिले कोई प्रभावित हुए हैं, जिसमें यमुना जिला प्रभावित हुआ, करनाल प्रभावित हुआ, पानी प्रभावित हुआ, सोनीपत प्रभावित हुआ। अब दिल्ली में प्रभाव है, पानी जैसे आगे बढ़ेगा उससे फरीदाबाद और पलवल हमारे अपने भी 6-7 जिले प्रभावित होते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि कहाँ से पानी छूटा और कहाँ पानी गया, नहीं, हमारी कैपेसिटी 1,00,000 की है। 1,00,000 से ज्यादा पानी हाथ होते ही पानी वहाँ से अपने आप आता है, हमारा छोड़ने ना छोड़ने का विषय नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है, उसमें मुख्य रूप से विषय जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनीज को जो काम मिलता है और जो किसान बीमा कराते हैं उनकी कुछ कठिनाइयाँ, ये हमको काफ़ी समय से ध्यान में आ रही थी, और उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने कुछ बिंदु रखे हैं, जिसके अंदर बैंक्स का रोल है, जिसमें कंपनीज का रोल है, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए विषय है वो है, कुछ में क्लेम्स की बातें हैं, पेमेंट्स हैं, ये सब टेंडरिंग है। इन सब बातों में जो भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ आपको महसूस हो रही थी वो सारी चर्चा की है। काफ़ी चीज़ों का समाधान तो हमने बताया है, लेकिन एक मीटिंग और हमारे अधिकारी उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करेंगे, उसमें कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के जो भी होंगे, ताकि उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। हमारा अल्टीमेट गोल है किसान की संतुष्टि, किसान की संतुष्टि हो जाए तो उसमें कितना प्रीमियम और कितना क्लेम ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना किसानों की संतुष्टि होनी चाहिए। क्योंकि किसान को कभी भी कोई मानो उसका जो नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आती है, उसको मुआवजा ठीक से मिल जाए, समय पर मिल जाए, ये हमारा उसका है। कभी कभी उनको इस प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है कि जब कोई जवाब नहीं होता तो उनको सपने में भी हरियाणा याद आ जाता है। तो मानो प्रदूषण है तो हरियाणा याद आता है, पानी है तो हरियाणा याद आ जाता है, कोई और बात होती है तो हरियाणा याद आ जाता है। इसलिए कम से कम इन चीज़ों पर राजनीति न करें, इतना ही मेरा कहना है। क्योंकि पानी जो है हथनी कुंड बैराज सिंपल बैराज है, वो डैम नहीं है। तो बैराज में तो एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है अपना पानी रेगुलेट करने की, तो पानी रेगुलेट होता है 1,00,000 क्यूसेक से पानी ज़्यादा आते ही नेचुरली पानी वो बह करके जिधर उसको रास्ता निकल जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने ज़िले कोई प्रभावित हुए हैं, जिसमें यमुना जिला प्रभावित हुआ, करनाल प्रभावित हुआ, पानी प्रभावित हुआ,
सोनीपत प्रभावित हुआ। अब दिल्ली में प्रभाव है, पानी जैसे आगे बढ़ेगा उससे फरीदाबाद और पलवल हमारे अपने भी 6-7 जिले प्रभावित होते हैं, इसलिए ये कहना गलत है कि कहां से पानी छूटा और कहां पानी गया। नहीं, हमारी कैपेसिटी 1 लाख की है, 1 लाख से ज्यादा पानी होते ही पानी वहां से अपने आप आता है, हमारा छोड़ने ना छोड़ने का विषय नहीं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।